अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसबा ज़मान पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। आज हमारे सोशल वीक का लास्ट डे है और इस लास्ट डे में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है मलिक अरशद साहब, सीईओ ऑफ इंडस ग्रुप। आइए उनसे जानते हैं कि जो हमारा लास्ट डे है सोशल वीक का, इसमें सर ने हमें ज्वाइन किया है तो उन्हें जो इनिशिएटिव लिया गया पीपीएल की तरफ से, तो उन्हें क्या लगता है, क्या ये पॉजिटिव रहेगा बहरे टाउन की मार्केट के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप मुझे बताएं कि जो ये इनिशिएटिव जो पीपीएल की तरफ से लिया गया है, इस सोशल वीक का आज लास्ट डे है और माशाल्लाह आप हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये पॉजिटिविटी जो है वो मतलब कि एक बैरियर टाउन की मार्केट के लिए क्रिएट की जा रही है हमारी तरफ से, तो क्या ये आगे आने वाले टाइम के लिए बेटर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें आपका ये जो इवेंट है, सबसे पहले तो मैं पीपीएल की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जिस वक्त ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझता हूँ इसकी बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मार्केट के अंदर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नेगेटिविटी चल रही है और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस तरह के इवेंट्स की बहुत अशद ज़रूरत थी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जिस तरह का आपने इवेंट किया है, इससे एक पॉजिटिव जो है वो जाएगा आंसर लोगों को, और स्पेशली जो ओवरसीज है पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो बेचारे सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं, उनके पास एक्चुअल खबरें नहीं पहुंचती, ज़मीनी हकायक उन तक नहीं पहुंचते, तो जो ज़मीनी हकायक हैं बैरियर टाउन के वो उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और इस हवाले से इस तरह के प्रोग्राम को हमें करते रहना चाहिए जिस तरह पीपीएल ने किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, और देखें जब भी कोई नेगेटिव खबरें चलती है ना तो वो आग की तरह फैलती है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से फैलती है। उस वक्त उनको काउंटर करने के लिए हमें पॉजिटिव खबरें देना ज़रूरी है, और हम पॉजिटिव खबरें जो है ना वो हकायक पर मबनी दे रहे हैं, क्योंकि बैरियर टाउन कराची एक हकीकत है। लोग जो बैरियर टाउन से बाहर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो जब बैरियर टाउन के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी हकीकत है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो खबरें चल रही हैं कि जी बैरियर टाउन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद बैरियर टाउन के साथ एक लंबा अरसा हो गया काम करते हुए, मैं पिंडी से काम करता आया हूँ, और मलिक साहब की, अली साहब की, शायद कुरैशी साहब की जो नीयत है वो बहुत खालिस है, वो बहुत अच्छी है। उनकी नीयत में सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि उनकी नीयत में नेक नीति है। बिल्कुल। इंशाल्लाह इस नेक नीति का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा लोगों को, और इसका असर लोगों को नज़र आएगा, और बैरियर टाउन कराची ने ये करके दिखाया है। बिल्कुल। तो इसलिए आपका इवेंट को मैं जो है ना एक मरतबा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, और इसको इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके जैसे आप बैरियर टाउन में आपकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ हैं, तो आप मुझे बताएं कि राइट नाउ आपके कितने कमर्शियल और कितने रेजिडेंशियल आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट हमने ऑफिस बिल्डिंग यहीं मेन जिना एवेन्यू 1 पे वो हमने कंप्लीट किया है, उसका पोजीशन दे चुके हैं एम्पायर बिजनेस के नाम से। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट एवेन्यू 1 कायद कमर्शियल पे है इंडस गोल्ड रेजिडेंसी के नाम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग की स्टेज पे है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का प्रोसेस चल रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है इंडस एम्पायर मॉल एंड रेजिडेंसी, ये थीम पार्क कमर्शियल में है, प्लॉट नंबर 47 पे, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 जो है उसकी छतें वो लग चुकी हैं। ठीक है। और उसका पार्किंग फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब टिपिकल फ्लोर्स का काम शुरू होने वाला है, तो ये मेरे इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू है। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बताएं कि जो नेगेटिविटी काफ़ी हाइप क्रिएट की जा रही है अबाउट बहरिया टाउन, तो आप माशाल्लाह यहाँ काफ़ी टाइम से आप यहाँ हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ये नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है क्या ये रियलिटी पे बेस करती है या जस्ट ये एक अफवाहें हैं? देखिए पता क्या, असल में लोग ये समझते हैं कि बैरियर टाउन पे केस हो गया, जैसे केस चल रहा था, बिल्कुल लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस केस से मुतल्लिक। वो पुराना केस जो सबक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर का एक डिसीजन था, उसके खिलाफ बैरियर टाउन खुद गया अपील में, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके मैटर्स बहुत सारी अदालतों में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, पहले भी चलते रहे हैं, मैटर्स चलते रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बैरियर टाउन को ख़त्म हो जाएगा, या कुछ जो यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है या जो बुकिंग कराना चाहते हैं उनके लिए कोई परेशानी है, उनके लिए कतन कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। बैरियर टाउन के पास तमाम NOCs हैं, ये मैटर्स चलते रहते हैं। वो एक फ़ाइन हुआ था बैरियर टाउन के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ बैरियर टाउन अपील में गया, जो कि कोर्ट ने अपील मंजूर नहीं की, कोर्ट ने कहा आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो बैरियर टाउन तो पहले ही पैसे तो दे ही रहा है,
उसने वेरिटोन ने एक अपील की कि जनाब हमारी भी ये बात सुन लें, ये हमारे ऊपर आपने पैसे लगाए हैं, दूसरी सोसाइटीज़ के ऊपर ये पैसे नहीं लगे, तो हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। तो ये जस्ट एक केस है और इसका वेरिटोन के जो अलाटीज़ हैं या जो अंदर लोग रह रहे हैं या जिनकी बुकिंग्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। अब क्या है, लोग इसकी जो नेगेटिविटी की आपको बात कर रहा हूँ, पहले जैसे मैंने बोला कि नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलती है, बिल्कुल ऐसे। तो जो दूसरी सोसाइटीज़ वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो कुछ नेगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं, मगर इससे वेरिटोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वेरिटोन जो है वो काम करके दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर आपके आने का। और नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि मलिक अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई और हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना काफ़ी चीज़ें ज़रूरी थी। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।